कांग्रेस शासनकाल में नगर निगम द्वारा किए गए सड़क निर्माण में हुए भ्रष्टाचार का खुलासा करते हुए जनता दल सेक्युलर के प्रदेशाध्यक्ष एडवोकेट शिव सिंह ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि एजी कॉलेज मार्ग पर स्थित विंध्य विहार कॉलोनी सड़क मार्ग निर्माण में व्यापक भ्रष्टाचार किया जा रहा है। रीवा शहर के व्यस्ततम मार्ग बड़ी पुल से कब्रिस्तान होते हुए विंध्य विहार कॉलोनी मार्ग का डामरीकरण किया जा रहा है, जो कि पूर्णतः गुणवत्ता विहीन है। जनता दल सेक्युलर के प्रदेशाध्यक्ष शिव सिंह एडवोकेट ने इस बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा करते हुए आरोप लगाए। निर्माण किया गया है, किस चीज से विरोध कर रहे हैं आप? ये बड़ी पुल से एजी कॉलेज को जाने वाली सड़क है और इसका कल शाम को निर्माण शुरू हुआ है पीडब्ल्यूडी द्वारा। डामरीकरण हो रहा है। सुबह जब मैं घूमने आया तो मैंने देखा कि कई दुर्घटनाएं हो गई। अभी भी साइकिल और मूली लदी हुई पड़ी है। कल दो परिवार गिर गए और ये हालात हैं, आप देख रहे हैं। गुणवत्ता विहीन काम हो रहा है। मैं तो भाजपा सरकार को मानता था कि भ्रष्ट है, ये कांग्रेस पार्टी महाभ्रष्ट है। यहाँ जो वरिष्ठ अधिकारी बैठे हुए हैं रीवा के अंदर, वो आज राजनीति कर रहे हैं। आए दिन मंचों पर भाषण देना, फोटो खिंचवाना इतना मात्र रह गया है। यहाँ घटनाएं हो रही हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, गुणवत्ता विहीन काम हो रहे हैं। और अभी अभी कमलनाथ जी ने फिर एक कलेक्टर साहब को भेजा है, मैं आज उनसे मिलने जा रहा हूँ और मैं 10-20 किलो गिट्टी लेकर के जा रहा हूँ। मैंने ज्ञापन पत्र में लिखा है कि मैं गिट्टी लेकर के आया हूँ और इसकी जांच कराइए और जो भी दोषी अधिकारी हो, कर्मचारी हो, निर्माण एजेंसी हो, उसके खिलाफ FIR हो, कार्रवाई हो। अभी निरंतर काम चल रहा है, आप मौके में हैं, देख भी रहे हैं। ये हालात हैं इस कांग्रेस पार्टी के, महाभ्रष्ट कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर बैठी हुई है। और यहाँ बहुत सारे कांग्रेस के नेता इस रोड से गुजरते हैं, क्या उनको होश नहीं है कि क्या हो रहा है रीवा के अंदर? मैं तो मीडिया को सलाम करता हूँ कि जब तक आप आईना नहीं दिखाएंगे तब तक ये भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। हम सबको मिलकर एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ने की जरूरत है।